वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज का ब्लॉग एक नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं। आज है दावत है। और दावत में क्या बनना है? पुलाव, कबाब और तीसरी डिश है दाल, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है, अब खाना भी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कि चलो ईद का मौका है, ईद के मौके पे गोश्त चलता ही है। गोश्त आज अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या बना हुआ है डिश में। है कबाब भाई, ये देखें, ये कबाब रेडी हो चुके हैं और अभी आपको दिखाता हूँ मैं पुलाव। ये साथ में बल्कि रायता भी, कबाब और रायता, सलाद। सलाद में नींबू अभी काटना बाकी है, नींबू अभी नहीं काटे। ओ भाई भाई, दावत ख़त्म हो चुकी और मेहमान जा चुके हैं घर को। अभी रात का टाइम है, वीडियो का कहते हैं इख्तिताम। उससे पहले दो चार बातें कर लेते हैं। वीडियो डेली बेस पे अपलोड हो रही है, अब इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी यही है डेली बेस पे अपलोड हो जाए। बस कुछ छोटी मोटी वीडियो जो कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ, कुछ उसमें आ जाती हैं क्या कहते हैं कुछ, यानी कि कुछ क्लियर आवाज़ नहीं होती है तो वो थोड़े से मैं काट देता हूँ वो चीज़ें वगैरह। बकाया इंशाल्लाह ये कि वीडियो इंशाल्लाह डेली बेस पे आ रही है। एक मैसेज है, पैगाम है सब भाइयों दोस्तों के लिए। यार ईद का मौका होता है और कोशिश किया करें अपने मोटरसाइकिल को आराम से चलाया करें। यार कल भी हमारे इलाके में इसी तरह हुआ है कि दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। देखो हादसा का कुछ नहीं पता लगता, मौत का भी कुछ नहीं पता लगता कि मौत कब आ सकती है। अब हम ये आने का टाइम है, जाने का टाइम किसी का नहीं, जाना किसने कब जाना है कुछ नहीं पता लगता। लेकिन बहरहाल ये कि आपको ये मैसेज है, पैगाम है, आप सब दोस्तों से भाइयों से गुजारिश भी है कि भाई मोटरसाइकिल आराम से देख के, ख़ासकर नौजवान जो नस्ल है उनके लिए भी ये पैगाम है कि भाई मोटरसाइकिल कम से कम आराम से चलाया करो। तो क्योंकि अब ईद के मौके पे आप रफली मोटरसाइकिल चलाएंगे, कोई हादसा हो जाए तो माँ बाप के लिए भी परेशानी लादा है, जो आपके फैमिली रिश्तेदार हैं। आप एक ईद का मौका होता है जिसमें आप आपस में खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं उसमें भी। और दूसरी बात है कि एक और है अहम बात कि आप अपने सब दोस्तें, सबसे अहम बात यह है कि अपनी सोच, हर बंदे को अपनी सोच पॉजिटिव लेके ना आगे तक बढ़ें, आगे बढ़ें, एक नया कदम स्टार्ट करें, नया सोचें कुछ। और इंशाल्लाह देखें, मेहनत करें, रिवार्ड अल्लाह से मांगें, अल्लाह सब कुछ देने वाला है बेशक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप मेहनत करें, मेहनत का सिला आपको अल्लाह देगा। और अल्लाह आप सच्चे ईमानदारी और नियत से आप मेहनत करें, अल्लाह सब कुछ देगा। इसके साथ ही आज के ये दो पैगाम थे। आप उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और दुआ में याद रखें, लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मेरे बहुत कम आ रहे हैं लेकिन व्यूज़ भी आ रहे हैं आस्ते आस्ते, चलें अल्हम्दुलिल्लाह आते जाएंगे, ये वक्त के साथ साथ आ जाएंगे। बस आप लोगों की दुआएं, सपोर्टेड आप लोगों का चाहिए। इंशाल्लाह वीडियो आएगी आगे भी और अच्छा पैगाम भी होंगे आप लोगों के लिए और मज़ा भी आएगा, कुछ फ़नी भी करेंगे इंशाल्लाह। और चैलेंजेस वाले वीडियो मुझे एक दो दोस्तों ने कहा है कि चैलेंजेस वाले वीडियो, तो भाई अभी उनके लिए चैलेंजेस वाले वीडियो वो इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उम्मीद है अब सब खैरियत से हों, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद हो और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।